लक्ष्मीबाई केलकर भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक थीं। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। लक्ष्मीबाई केलकर का मूल नाम कमल था। विवाहोपरांत उनको लक्ष्मीबाई नाम मिला, किंतु लोग आदरपूर्वक उन्हें मौसी जी कहते थे। मौसी जी का जन्म 16 जुलाई 1905 को नागपुर में हुआ था। वस्तुतः मौसी जी का जीवन एक साहसी महिला की प्रेरणादायक गाथा है, जिन्होंने बड़े नैतिक साहस और मानसिक दृढ़ता के साथ सभी बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया और अंत में विजयी हुई। पुरुष प्रधान समाज में उनकी दूरदर्शिता, साहस और आत्मविश्वास अतुलनीय है। बात उन दिनों की है जब लोकमान्य तिलक के दुखद निधन के बाद महात्मा गांधी ने साबरमती को छोड़ दिया और वर्धा को अपने आश्रम के रूप में चुना। वर्धा के सेवाग्राम में देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में राजनीतिक गतिविधियां होने लगी। इन सभी घटनाओं से प्रेरित होकर लक्ष्मीबाई की देशभक्ति की भावनाएं भी प्रबल हुई और उन्होंने अपनी देवरानियों और जेठानियों को भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस पवित्र काम के लिए अपने आभूषण भी दान किया। दुर्भाग्य से उनके पति को तपेदिक का संक्रमण हो गया, जो कि उन दिनों एक असाध्य बीमारी हुआ करती थी। सभी प्रयासों के बावजूद वह नहीं बच सके। वह मात्र 27 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई और उसी बीमारी से उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री को भी खो दिया। परंतु अपने दुख को अलग करते हुए उन्होंने ना सिर्फ घर का प्रबंधन संभाला, बल्कि महिलाओं के लिए साक्षरता और विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। उन दिनों गांधी जी ने महिलाओं से अपनी अव्यक्त आंतरिक शक्तियों को दिशा प्रदान करने के लिए कहा। गांधी जी के शब्दों से प्रेरित होकर उन्होंने रामायण का गहन अध्ययन किया और अनुभव किया कि रामायण काल में हुए सीता के अपहरण से लेकर आज तक महिलाओं के दमन की प्रवृत्ति समाज में बनी हुई है। उन्होंने नागपुर में महिलाओं की रक्षा और उसके सशक्त बनने के पीछे उनकी आवश्यकताओं को समझा। उसी वक्त उनके बेटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने शारीरिक और मानसिक अनुशासन तथा युद्ध कला आदि सीखी। अपने पुत्र में परिवर्तन और अनुशासन को देखते हुए लक्ष्मीबाई ने निर्णय किया कि महिलाओं के लिए भी एक समान संस्था की स्थापना की जाए तो उनकी समस्याओं का समाधान संभव होगा। उन्होंने संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलने का निर्णय किया। डॉक्टर हेडगेवार जी उनकी शक्ति और दर्शन से बेहद प्रभावित हुए। जब लक्ष्मीबाई ने स्वामी विवेकानंद जैसे महान नेताओं के उदाहरणों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता के बारे में डॉक्टर साहब को समझाने का प्रयास किया, तो डॉक्टर साहब ने उनकी निर्भीकता, संकल्प और महानता का अनुभव किया और उनसे पूछा कि क्या वह महिलाओं का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? उनकी स्वीकृति के बाद हेडगेवार जी उन्हें महिलाओं के लिए संगठन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने इसका नाम राष्ट्र सेविका समिति रखा। उन्होंने कहा कि संगठन की विचारधारा पुरुषों के संघ के समान किंतु समानांतर होगी, यह स्वायत्त और स्वतंत्र होगा। राष्ट्र सेविका समिति भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के लिए काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा हिंदू महिला संगठन है। राष्ट्र सेविका समिति देश भर में स्थित 5216 केंद्रों के माध्यम से संचालित होती है तथा इसकी सक्रिय सदस्यता 10 लाख के आसपास तक की है। राष्ट्र सेविका समिति गरीबों और वंचितों के लिए आत्मनिर्भर साधन प्रदान करने के लिए 475 सेवा परियोजनाएं भी चलाती है तथा समाज में सकारात्मक सामाजिक सुधार के लिए हिंदू महिलाओं की नेता और अभिकर्ता के रूप में भूमिका विकसित करने पर ध्यान देती है। इस समिति की स्थापना के बाद मौसी जी का पहला कदम भारत के गौरवशाली अतीत और राष्ट्रवादी मूल्यों के लिए गर्व के बारे में महिलाओं को प्रेरित करना था, क्योंकि महिलाएं उस वक्त विदेशी बंधनों के कारण आत्मविश्वास खो चुकी थीं। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके मूल्य और आदर्श पश्चिमी विचारधाराओं से निम्न स्तर के हैं। मौसी जी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ साथ घर घर गईं, उनसे खुद को राष्ट्रीय सेवा में शामिल करने का आग्रह किया।
हालांकि उनके पास अपने घर और सामाजिक जीवन की अन्य गतिविधियां भी थी। वह सबसे पहले महिलाओं को प्रेरित करती थी और प्रशिक्षण शिविर लगाती थी। एक बार शिविर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने के बाद वह दूसरे चरण के लिए आधार तैयार करती थी, जिसमें बालिका विद्यालय और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रस्ताव होता था। हिंदुओं को नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक समर्थन देने के लिए उसने बहादुरी से सिंध तक की यात्रा की। कराची में उन्होंने पहली बार सांप्रदायिक घृणा और हिंसा को देखा। उन्होंने वहां की सेविकाओं को एकजुट और शांत होने का आह्वान किया। विभाजन के बाद पाकिस्तान से अनेक परिवार भारत आए। मौसी जी के द्वारा उनके खाने रहने का प्रबंध मुंबई के परिवारों में पूरी गोपनीयता रखते हुए किया गया। महिलाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के विशेषज्ञ मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए एक संगठन स्त्री जीवन विकास परिषद का भी उन्होंने गठन किया और सेविकाओं को संबोधित करने के लिए कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों और डॉक्टरों को आमंत्रित भी किया। उन्होंने मराठी में एक पत्रिका सेविका का प्रकाशन शुरू किया, जो अब राष्ट्र सेविका के रूप में कई भाषाओं में प्रकाशित होती है। उन्होंने शिवाजी के संघर्ष, स्वामी विवेकानंद के स्पष्ट आह्वान जैसे प्रेरणादायक विषयों पर प्रदर्शनियां लगाईं और कलाकारों को अपने चित्रों के माध्यम से सामाजिक पुनर्जागरण और जनता के उत्थान में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने महान महिला नेताओं की शताब्दी मनाई और हर बैठक में वंदे मातरम का पाठ कर मातृभूमि का सम्मान करने की परंपरा भी शुरू की। उन्होंने नागपुर में देवी अहिल्या मंदिर, वर्धा में अष्टभुजा मंदिर और कई अन्य शहरों में अन्य मंदिरों का निर्माण कार्य भी संपन्न कराया। उनके द्वारा ग्रामीण और वनवासी पुनर्वास जैसी कई अन्य गतिविधियां भी की गई या उनके कार्यों में सम्मिलित हुई और उनके लिए विभिन्न योजनाएं भी बनाई गई। अपने जीवन काल में उन्होंने अगस्त 1978 तक लगातार सेविकाओं को प्रेरित किया। वस्तुतः मौसी जी की जीवन कहानी एक ऐसी महिला की गाथा है जो समाज में अपने दूरदर्शिता, साहस और आत्मविश्वास के परिणाम स्वरूप महिलाओं के पुनर्वास और उत्थान के लिए एक शक्तिशाली संगठन की स्थापना कर पाती है, जिसने पारंपरिक भारतीय महिलाओं के हृदय में देशभक्ति की भावनाओं को जागृत किया और उनके अंदर नारी शक्ति का आभास भी दिलाया। वह वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण संसार एक परिवार है कि सनातन हिंदू विचारधारा के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रही।